हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस ने विंग को बताया कि थर्ड डोर ओपन करने के बाद क्या होने वाला है। एंड जैसे ही विंग को पता चला कि थर्ड डोर ओपन होने के बाद प्रिंस को मुक्ति मिल जाएगा एंड मुक्ति मिलने के बाद वो अपने लवर के पास चले जाएंगे। ये सब सुनते ही विंग का सारा डे ड्रीम ख़त्म हो गया। उसने ड्रीम देखा था कि वो प्रिंस के साथ अपना पूरा ज़िंदगी बिताएगा, बट वो नहीं हो पाएगा। ये सब सुनने के बाद विंग का मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, बट विंग के मन से ये सब बातें नहीं गया। उसने भूलने की बहुत कोशिश किया बट उससे नहीं हो पाया। तो आज वो टाउन पे गया था क्योंकि घर पे कुछ सामान ख़त्म हो गया है, तो वो टाउन पे गया रिस्टॉक करने के लिए। जब वो अपने घर लौटा तब वो बहुत ही टायर्ड था, उसे बहुत ही एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। वो बस सारा सामान रख के अपने रूम पे जाकर सोना चाहता है। यही सोचते हुए उसने किचन में सारा सामान रखा। दिन वो अपने रूम पे जाने ही वाला था तभी प्रिंस के भाई ने उसके हाथ को जकड़ लिया एंड देन प्रिंस का भाई उसे खींचने लगा। विंग ने पूछा क्या बात है, बट प्रिंस ने कुछ कहा नहीं। तो ये देख के विंग समझ गया कि उसे प्रिंस को फॉलो करना होगा, तो उसने एक टायर्ड स्माइल किया एंड वो प्रिंस को फॉलो करने लगा। प्रिंस उसके हाथ पकड़ के उसे कहीं पर लेके जा रहे थे। देन प्रिंस उसे एक रूम के सामने लेकर आए। विंग ने रूम का दरवाज़ा ओपन किया एंड दरवाज़ा ओपन होते ही उसे एक बहुत ही वार्म फील हुआ। दरवाज़ा ओपन करते ही उसको सैंडलवुड एंड रोज़ का स्मेल आया। तब उसने देखा कि रूम के अंदर एक लार्ज ब्रॉन्ज बाथटब है एंड वो बिल्कुल उसके लिए रेडी है। उस बाथटब को देखते ही विंग को रिलैक्स फील हो रहा था। उसने एक ग्रेटफुल शाई किया। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर एक बाथटब है, बट ऑफकोर्स इतने पुराना बाथटब बिल्कुल डर्टी हो चुका था, तो अगर विंग उसे यूज़ करना चाहता भी तो उसे क्लीन करना पड़ता, उसे और भी काम करना पड़ता। बट विंग बहुत लेजी है, वो ये सब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो डायरेक्ट कोल्ड स्प्रिंग को यूज़ करता था। बट आज प्रिंस ने उसके लिए इस बाथटब को रेडी करके रखा है। इतने ठंडे में उस बाथटब के अंदर वार्म वाटर है, सिर्फ नॉर्मल वाटर नहीं, फ्रेग्रेंट वाटर। उसे देखते ही विंग को और भी रिलैक्स फील हो रहा था। वो वहाँ पर ही खड़े खड़े बाथटब को देख रहा था तभी प्रिंस ने विंग के हाथों को थोड़ा सा खींचा, तब जाके विंग सेंस पे वापस आया। प्रिंस विंग को खींच के बाथटब के पास लेकर आने लगे एंड जैसे ही वो लोग रूम के मिडिल पे आए, बहुत सारे वाइन्स विंग के कपड़ों को खोलने लगा। देन प्रिंस विंग को बाथटब के पास लेकर गए। इससे पहले विंग बाथटब के अंदर जाता, प्रिंस ने कहा पहले टेम्परेचर को चेक कर लो, तो विंग ने वही किया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसने नोट किया एंड देन वो बाथटब के अंदर जाने लगा। जब तक वो बाथटब के अंदर जाकर बैठ ना गया हो तब तक प्रिंस के वाइन उसके ऊपर रैप्ड थे ताकि विंग गिर ना जाए। फाइनली विंग बाथटब के अंदर था। वो बाथटब के वार्म वाटर में बिल्कुल लींट हो गया। उसने अपने आँखें बंद कर दिया एंड फाइनली उसने एक रिलैक्स शाई किया, क्योंकि कुछ दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे अंदर अंदर बहुत ही मिस फील हो रहा था। जब से उसे पता चला है कि कर्ज टूटने के बाद प्रिंस कहाँ जाएंगे, तब से विंग का ठीक से नींद भी नहीं हो रहा था और ना ही वो ठीक से खा रहा था। उसने ये सब भूलने की बहुत कोशिश किया पर उससे नहीं हो पाया। वो हर रात टॉस एंड टर्न करता था। वो टायर्ड होकर भी उसे नींद नहीं आती थी एंड अगर वो कभी कभी सो जाता भी था तब उसे ड्रीम आता था। ड्रीम पे फेसलेस प्रिंस उसे होल्ड करके रखे थे, उसे किस कर रहे थे एंड देन सडनली वो दोनों सेपरेट होने लगे। एंड जैसे ही वो ड्रीम पे देखता था कि वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इमीडिएटली उसका नींद टूट जाता था। उसका पूरा बॉडी हर दिन टेंस्ड एंड वॉरिड रहता था। वो यही सोचते हुए कुछ टाइम के लिए बाथटब के अंदर ऐसे रिलैक्स कर रहा था, तब उसे फील हो रहा था कि उसके हाथों में एक वाइन रैप्ड हो रहा है एंड एक और वाइन बाथटब के अंदर जा रहा है। उसने अपने आँखें खोला, उसने देखा कि प्रिंस के वाइन में एक वॉश क्लॉथ लिपटा हुआ था। वो अपने वॉश क्लॉथ से विंग के बॉडी को वॉश कर रहे थे, रब कर रहे थे। विंग को और भी अच्छा फील हो रहा था, और भी रिलैक्स फील हो रहा था। जब प्रिंस विंग के फेस को वॉश कर रहे थे, विंग को रियलाइज हो रहा था कि प्रिंस का टच कितना जेंटल है, जैसे कि विंग बहुत ही प्रीशियस हो। विंग सोच रहा था कि आज इस बाथटब को रेडी करने के लिए
प्रिंस ने कितना एफर्ट डाला था, उन्हें कितना कुछ काम करना पड़ा सिर्फ विंग के लिए, इस बाथटब को रेडी करने के लिए। प्रिंस इस पैलेस के हर जगह पर है, शायद उन्होंने विंग को देखा है, वो कितना टेंस्ड है, वो रात को सो भी नहीं पाता। एंड जब वो सुबह उठता है तब उसका बॉडी कितना टायर्ड रहता है, एंड शायद इसलिए ही प्रिंस ने उसके लिए ये सारा इंतज़ाम किया है। एक्चुअली विंग को पता नहीं कि प्रिंस ने ये सब क्यों किया है, और ना ही वो पूछना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रिंस उसके ऊपर क्लोज अटेंशन पे करता है। वो विंग के हर एक मूवमेंट को देखता है, फील करता है। एंड जितना दिन बीते जा रहा है, प्रिंस विंग को और भी ज़्यादा समझ पा रहे हैं। वो विंग के मूड्स, उसके नीड्स, उसके कुछ कहे बिना ही समझ जाते हैं, एंड उसे वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो विंग डिज़र्व करता है। बट एक दिन प्रिंस उसे छोड़ के चले जाएंगे। एक दिन विंग उस इंसान को खो देगा जिससे वो प्यार करता है, जो उसके लिए केयर करता है, जो उसे समझता है। एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग को पता नहीं कि प्रिंस के चले जाने के बाद वो क्या करेगा। जिस तरीके से प्रिंस उसका केयर करता है, उसी तरीके से विंग भी प्रिंस का केयर करता है। विंग को पता नहीं कि प्रिंस के बाद वो ऐसा केयर किसी और के लिए कर पाएगा भी या नहीं, शायद नहीं कर पाएगा, और ना ही वो करना चाहता है। काश वो एंड प्रिंस हमेशा एक साथ रह पाते, वो दोनों एक हो पाते, बट ये सब झूठी होप है। विंग को ये सब होप नहीं सोचना चाहिए। यही सोचते हुए वो सडनली प्रिंस से अलग हो गया, एंड वो बाथटब के वाटर के नीचे चला गया, एंड वो कुछ टाइम के लिए वाटर के अंदर ही था। वाटर के अंदर उसने अपने ब्रेथ को रोक के रखा था। वो तब तक वाटर के अंदर था जब तक वो अपने ब्रेथ को रोक सकता है। वो बहुत टाइम तक वाटर के अंदर ही था। फाइनली जब उसे फील हुआ कि अब उससे नहीं होगा, तब जगह वो वाटर के बाहर आया, एंड उसने एक जोर का ब्रेथ लिया। विंग के हाथों में प्रिंस का एक वाइन रैप्ड था, तो वो विंग का टेंशन, उसका कन्फ्यूजन समझ सकता था। वो समझ सकता था कि प्रिंस कितना हेजिटेट फील कर रहे हैं, वो कितना कंसर्न एंड कन्फ्यूज फील कर रहे हैं, बट विंग ऐसा नहीं चाहता, तो उसने प्रिंस के सारे हेजिटेशन, सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक स्माइल किया। एंड फाइनली उसके स्माइल देख के, उसके हंसी देख के प्रिंस को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया, उसने अपनी आँखें बंद किया, एंड वो फिर से बाथटब पे लीन हो गया, एंड देन फिर से प्रिंस उसके बॉडी को, उसके फेस को वॉश करने लगा। विंग का आंखों से आंसू निकल रहा था, बट वो इतने टाइम से पानी के अंदर था, तो उसका आंसू शायद प्रिंस को नहीं दिख रहा था। अगर नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रिंस को विंग अपना आंसू, अपना दुख नहीं दिखाना चाहता। वो अपना दुख सिर्फ अपने पास ही रखना चाहता है। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो प्रिंस को एक सरप्राइज़ दे, क्योंकि प्रिंस हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो वो भी प्रिंस के लिए कुछ करना चाहता है। बट प्रिंस इस पैलेस के हर जगह पर है, कोने कोने में है। विंग अगर कुछ ही प्रिपेयर भी करेगा तब भी प्रिंस को पता चल जाएगा, वो और सरप्राइज़ नहीं रहेगा। तो विंग सोच रहा था कि वो क्या करे, तो वो टाउन पे गया था, एंड टाउन पे जाकर उसने कुछ स्ट्रिंग्स खरीद के लेकर आया, एंड देन वो प्रिंस के गुचिन को अपने रूम पे लेकर आया। एंड देन विंग उस गुचिन को ठीक करने की कोशिश करने लगा, उसके स्ट्रिंग्स को चेंज करने की कोशिश करने लगा, बट ऑफकोर्स उससे हो नहीं रहा था। प्रिंस ने उससे पूछा भी कि वो क्या कर रहा है, तो विंग ने कहा ये उसके लिए सरप्राइज़ है, वो नहीं कहेगा। तो प्रिंस ने भी एक अम्यूजमेंट नोट किया, उन्होंने फर्दर क्वेश्चन नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग को फील हुआ कि उससे स्ट्रिंग्स लगाना तो होगा नहीं, तो उसने गुचिन को ठीक से क्लीन किया, एंड देन उसने उसे अपने पास ही रखा। देन वो नेक्स्ट डे टाउन पे गया, एंड वो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करने के लिए एक शॉप ढूंढने लगा। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसे एक शॉप मिला। उसने शॉप के ओनर से बात किया कि क्या वो गुजिन को ठीक कर सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि वो कर सकते हैं, तो विंग बहुत ही एक्साइटेड हो गया। तो वो नेक्स्ट डे प्रिंस के गुजिन को ठीक से पैक किया, एंड देन वो अपने साथ टाउन पे लेकर गया। देन वो शॉप पे जाकर शॉप ओनर के इंस्ट्रक्शन से सब कुछ किया, एंड विंग ने सब कुछ खुद अपने हाथों से किया, एंड शॉप ओनर भी विंग का साथ भी दे रहा था। उन लोगों ने पूरा दिन लगा लिया गुजिन को ठीक करने में। विंग ने शॉप में गुजिन को ठीक किया, उसे पॉलिश किया, एंड देन फाइनली उसे पैक करके प्रोडक्टिवली अपने साथ अपने घर वापस लेकर आया। आने से पहले उसने शॉपकीपर को बहुत सारा मनी भी दिया, क्योंकि शॉपकीपर ने उसे बहुत टाइम दिया है।
एंड विंग उनके काम से खुश भी था क्योंकि गुचिन बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। फाइनली वो घर पे आ गया। घर पे आके उसने गुचिन को अपने बेडरूम पे रखा, अपने डेस्क पे। दिन उसने कहा, हैंगोंग जून, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एंड ये सुनते ही एक वाइन ने विंग के हाथ को रैप कर लिया। प्रिंस ने वार्मली पूछा, क्या है? विंग ने हंसते हुए कहा, खुद देख लो। विंग को प्रिंस के रिएक्शन फील हुआ। प्रिंस बहुत ही अम्यूज्ड थे तो विंग को अच्छा लगा। प्रिंस ने एक शाई किया एंड देन प्रिंस अपने वाइन से गुचिन के कवर को हटाने लगा। कवर खोलते ही प्रिंस को अपना गुचिन दिखा जो कि बिल्कुल न्यू लग रहा था। ऑफकोर्स प्रिंस को पहले से ही पता है कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा था। विंग उनके सामने ही गुचिन के स्ट्रिंग्स को लगाने की कोशिश कर रहा था। ये बात विंग को भी पता है, बट स्टिल अब गुचिन को ऐसे दिखाकर विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे फील हो रहा था कि प्रिंस भी हैप्पी फील कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है। ये देख के विंग को और भी अच्छा लग रहा था। प्रिंस ने लविंगली कहा, विंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, थैंक यू। ये सुन के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम्हें अच्छा लगा। ये बोलते हुए विंग अपने फिंगर को वाइन के ऊपर रब करने लगा। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। ये बोल के विंग ने प्रिंस के वाइन को किस किया। विंग सोच रहा था कि लास्ट ईयर से प्रिंस उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो हमेशा विंग को काइंडनेस से ट्रीट कर रहे हैं। वो विंग के लिए सब कुछ करते हैं, इनफैक्ट खाना बनाते हैं एंड अब तो वो उसके लिए लॉन्ड्री भी कर रहे हैं। विंग ने ये सब करने के लिए नहीं कहा था बट प्रिंस खुद से ये सब करते हैं उसके लिए, तो विंग भी उनके लिए कुछ करना चाहता था। हालांकि विंग उसके लिए एक ईगर मिल है बट स्टिल वो उसके लिए और कुछ करना चाहता था। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि गुचिन एक अच्छा ऑप्शन है। वो यही सोच रहा था, प्रिंस ने कहा, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोलते हुए प्रिंस ने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया एंड देन वो दूसरे वाइन्स को स्ट्रिंग्स के ऊपर फेरने लगा एंड इसके वजह से गुचिन से स्मूथ आवाज़ भी आ रहा था। विंग नहीं जानता कि प्रिंस इस गुचिन को फिर से बजाएंगे भी या नहीं, बट फिर भी उसका मन किया कि वो इस गुचिन को ठीक करके लेकर आए। एंड अब जब प्रिंस अपने वाइन्स को गुचिन के ऊपर फहरा रहे थे तो विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइड फील हो रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है जब मैं इसको शॉप ओनर के पास लेकर गया वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे। उन्होंने कहा कि शायद ये पूरे दुनिया के सबसे कूलेस्ट एंड ओल्डेस्ट जिटार है जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा जिटार पहली बार देखा है। ये बोलते हुए विंग स्माइल कर रहा था, उसे बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि इस गुचिन को देखने के बाद उस शॉप ओनर का एक्सप्रेशन कैसा हो गया था, वो कितना शॉक्ड हो गए थे। विंग ने कहा, तुम्हें पता है जब उन्होंने इसे देखा उन्होंने कहा कि इसका डिज़ाइन, इसका मटेरियल बहुत ही फैमिलियर है। उन्होंने कहा कि शायद ये लार्न क्लैन के कोई ओल्डेस्ट पीस की तरह है। वो बकवास कर रहे थे, है ना, ये सब कुछ नहीं है। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था कि उसे लार्न क्लैन के बारे में पता है थोड़ा बहुत। उसने सुना था कि बहुत सेंचुरीज पहले पहाड़ियों में एक क्लैन था जो कि गुसु के अंडर था एंड वहाँ पर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते थे एंड वो क्लैन पूरे वर्ल्ड में अपने नॉलेज के वजह से जाने जाते थे। उसके जैसा क्लैन पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। वहाँ के लोग जितने पावरफुल एंड नॉलेजेबल होते थे उतना ही ऑनेस्ट भी होते थे, बट वो लोग कभी भी माउंटेन के नीचे नहीं आते थे। वो लोग वहाँ पर ही एक मॉन्क की तरह रहते थे। वो ये सोच ही रहा था तभी उसके बातें सुन के प्रिंस कुछ टाइम के लिए चुप थे। कुछ टाइम के बाद प्रिंस ने कहा, हाँ वो मेरा फैमिली नेम है। ये सुनते ही विंग का पूरा बॉडी वाइब्रेट कर उठा। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, उसके फेस में स्माइल आ गया। कुछ दिन पहले ही उसे प्रिंस के प्यार के बारे में पता चला था, यिलिंग पैट्रियक के बारे में जो कि हिस्ट्री में बहुत ही फेमस थे। एंड विंग उसका ही हर एक फार्मूलाज, हर एक मंत्रास पढ़ता है। एंड अब लार्न क्लैन एंड विंग लार्न क्लैन के गुचिन लेकर गया था ठीक कराने के लिए। मतलब ये सब कितने अमेजिंग है, उसने कहा, लान गोंगजा। ये बोलते विंग को रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं, ये उसने क्या कह दिया, लान गोंगजा तो प्रिंस का बड़ा भाई होगा, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि शायद बड़े भाई याद आते ही प्रिंस को और भी सैड फील होगा। तो उसने इमीडिएटली कहा, लारा गोंगजा।
क्या तुम्हें और कुछ याद आया? प्रिंस कुछ टाइम के लिए चुप थे एंड विंग प्रिंस के आंसर का वेट करने लगा। तभी प्रिंस ने कहा, वांग जी। प्रिंस के वॉइस में एक शॉक था, जैसे कि वो भी इस चीज़ को पहली बार याद कर रहे हैं। विंग ने कहा, वांग जी, लांग वांग जी, क्या ये तुम्हारा नाम है? प्रिंस ने कहा, वांग जी गुचिन का नाम है। ये सुनकर विंग ने कहा, वेट, वांग जी गुचिन का नाम है, तुम्हारा नहीं? प्रिंस ने कहा, नहीं, मेरा नाम है, मेरा भी है, गुचिन का भी है। विंग ने कहा, वेट, ये बोलकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, तुम दोनों का नाम वांग जी है, रियली? ये बोलकर विंग टीसिंगली हंसने लगा। उसने कहा, लांग वांग जी, क्या तुमने अपने नाम से अपने गुचिन का नाम रखा है? ये बोलकर विंग हंस रहा था। तभी प्रिंस ने कहा, शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे तलवार का नाम क्या है। ये सुनते विंग ने डिफेंसिवली साउट करते हुए कहा, हे। ये बोलते हुए भी विंग हंस रहा था। उसने हंसते हंसते कहा, ये फेयर नहीं है, एक तलवार के लिए स्वीबिया नाम कितना परफेक्ट है, एंड वैसे भी अभी मेरे पास स्वीबिया नहीं है जो अपने को डिफेंड कर सके, लांग वांग जी, और तुम तो। ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। उसे कुछ याद आ गया, उसे याद आ गया कि वो हफ्तों से येलिंग पैट्रियार्क के फॉर्मूलाज उनके नोट्स पढ़ रहे हैं। तभी उसने अपने पॉकेट से उन नोट्स को निकाला। वो हर एक नोट्स को ठीक से ढूंढने लगा कि उसे याद है कि उसने उन नोट्स में से कुछ लान नाम से पढ़ा था, तो वो उस चीज़ को ही ढूंढने लगा। एंड फाइनली उसे वो पेपर मिल गया। उसके बॉटम में लिखा हुआ था, आज लंजा मिलने आया था। उस पूरे पेपर में जो टॉपिक लिखा हुआ था वो डेमोनिक कल्टिवेशन के ऊपर लिखा हुआ था, बट इन दी एंड ये लाइन लिखा हुआ था। पहले विंग ने इस लाइन को इग्नोर ही किया था, उसे पता नहीं था कि ये लान कौन है एंड ये क्यों लिखा है। बट अब जब विंग को पता चला कि लान नेम प्रिंस के फैमिली का है, तब उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने कहा, हैंग वांग जुन। ये बोलकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है लन जान, क्या ये नाम तुम्हारा है? फिर से प्रिंस कुछ टाइम के लिए साइलेंस थे। विंग बस होप कर रहा था कि उसका ये डाउट सही हो, क्योंकि पहले दिन से प्रिंस विंग को विंग कह के बुला रहा है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है, इंटीमेट फील होता है। वो नहीं चाहता कि वो प्रिंस से फॉर्मल नेम से बुलाए, बट उसका ये मन करता है कि वो भी प्रिंस को इंटीमेट नेम से बुलाए, उनके बर्थ नेम से बुलाए। उसको बहुत मन कर रहा था। तभी प्रिंस ने कहा, हाँ। इस बार प्रिंस का वॉइस शेकिंग था। विंग फील कर पा रहा था कि उसके साथ साथ प्रिंस भी एक्साइटेड है कि फाइनली उन्हें अपना नाम याद आ गया है। ये सोचते ही विंग का फेस और भी ब्राइट हो गया। उसने ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, लंजा। तभी उसे प्रिंस का रिएक्शन फील हुआ, जैसे कि ये नाम सुनते ही प्रिंस बहुत ही हैप्पी हो गए हैं। ये फील होते ही विंग का स्माइल और भी ब्राइट हो गया। उसने फिर से उस भाइन को किस किया। प्रिंस ने कहा, विंग। विंग ने टीसिंगली कहा, लंजा। ये बोलकर विंग ने इमीडिएटली फिर से प्रिंस के वाइन्स को किस किया। एंड तभी प्रिंस के बहुत सारे वाइन्स ने विंग के शोल्डर्स को रैप कर लिया, जैसे कि वो विंग को एक टाइट हग कर रहे हो। तो विंग ने भी प्रिंस के वाइन को हग बैक किया एंड वो कंटिन्यू हंसते हुए प्रिंस के वाइन्स को किस करने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिंस के गुचिन को ठीक करने की वजह से उसे प्रिंस के फैमिली के बारे में पता चलेगा, उसे प्रिंस के नाम के बारे में पता चलेगा, उसे प्रिंस का बर्थ नेम पता चलेगा। विंग को और भी इंटीमेट और भी क्लोज फील हो रहा था प्रिंस के साथ। फाइनली अब वो प्रिंस को उसके नाम से बुला पाएगा। उसने फिर से कहा, लंजा। ये बोलकर विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। देन विंग ने सॉफ्टली कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी प्ले कर सकते हो? मैं तुम्हें प्ले करते हुए सुनना चाहूँगा। कुछ टाइम के लिए प्रिंस हेजिटेट फील कर रहे थे। देन उन्होंने कहा, देन लंजा अपने वाइन्स को उस गुचिन के ऊपर फैराने लगा एंड फाइनली उसने गुचिन प्ले करना शुरू किया। ये देखते ही विंग का हार्ट सॉफ्ट हो गया। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो स्माइल कर रहा था एंड प्रिंस कितने प्यार से एक नोट प्ले कर रहे थे। विंग को रियलाइज़ हुआ कि सच में प्रिंस अभी प्ले कर पा रहे हैं एंड प्रिंस उसके लिए प्ले कर रहे हैं। इतने सेंचुरीज बाद प्रिंस ने पहली बार उसके लिए ही प्ले किया है। विंग को और भी अच्छा लग रहा था। प्रिंस उसके लिए एक बहुत ही कॉमन सॉन्ग प्ले कर रहे थे
विंग इस सॉन्ग को पहचानता है। इस सॉन्ग का नाम है फ्लोइंग वाटर। ये एक एंशियंट सॉन्ग है। इसे एक लेजेंडरी गुचिन प्लेयर वोआ ने इंट्रोड्यूस किया था एंड प्रिंस इसे ही स्लोली एंड ब्यूटीफुली विंग के लिए प्ले कर रहे थे। एंड लंचा का ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था विंग को। विंग ने स्लो ब्रेथ लिया एंड अपने आंखें बंद कर दिया। बहुत टाइम बाद कोई उसके लिए कुछ प्ले कर रहा है, उसे ये एक रिवॉर्ड की तरह लग रहा था। उसे फील हुआ कि उसका मन था कि वो प्रिंस को, लंचा को कुछ गिफ्ट दे, बट ये गिफ्ट उसके लिए ही हो गया। उसने लंचा को गुचिन गिफ्ट दिया एंड लंचा उसके लिए वही गिफ्ट प्ले कर रहा है, तो ये गिफ्ट विंग के लिए ही हो गया। लंचा प्ले तो कर रहा था बट लंचा का एक वाइन विंग के हाथों में अभी भी रैप्ड था, तो विंग भी लंचा के हैप्पीनेस फील कर पा रहा था, वो लंचा के पीस को फील कर पा रहा था। ये देख के विंग को और भी अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो लंचा के लिए कुछ कर पाया। वो आंखें बंद करके स्माइल करते हुए लंचा के प्ले सुनने लगा एंड लंचा भी डेलीकेटली म्यूजिक को प्ले करने लगा। अब ऐसे दिन बीते जा रहा था। अब हर दिन विंग का एक ही काम था एंड वो ये है कि वो हर दिन येलिंग पैट्रियक के फॉर्मूलास को यूज़ करेगा, उन्हें एक्सपेरिमेंट करेगा। वो हर दिन शाम को यही करता था लैंटर्न जला के। आज भी वो अपने डेस्क पर बैठकर वही कर रहा था। वो अपने काम में बिल्कुल खो चुका था, उसे टाइम का कुछ पता ही नहीं था, वो बस एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। तब उसे फील हुआ कि एक वाइन उसके पैर से होके उसके थाई की तरफ आ रहा है। लंचा उसका अटेंशन चाह रहा था बट विंग का पूरा अटेंशन काम के ऊपर था। लंचा के वाइन फील होते ही विंग को रियलाइज हुआ कि शायद अभी बहुत लेट हो गया होगा, इसलिए लंचा अटेंशन के लिए ऐसे क्रेजी हो रहा है। बट स्टिल विंग का फुल अटेंशन अपने फार्मूलास के ऊपर था, अपने काम के ऊपर था। उसे टायर्ड फील हो रहा था, उसकी आंखें बंद हो रहे थे, बट स्टिल उसका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर था। वो बहुत घंटों से ऐसा बैठा हुआ है बट फिर भी वो अभी उठना नहीं चाहता था, उसे और भी जानना था, उसे और भी एक्सपेरिमेंट करना था। बट लंचा का मोटिव कुछ और ही था। वो बार बार विंग के बॉडी को रैप कर रहा था, तो विंग ने कहा, लंचा बस थोड़ा और ओके। ये सुन के लंचा कुछ टाइम के लिए रुक गया, बट कुछ टाइम हो गया, अभी भी विंग अपने नोट्स में, अपने फार्मूलास में बिल्कुल डूबा हुआ था। फिर से लंचा के वाइंस ने विंग को परेशान करना शुरू कर दिया। वो बार बार विंग के फोर आर्म को खींच रहा था, उसके क्लोज को खींच रहा था, उसे बस विंग का अटेंशन चाहिए था। ये देख के विंग ने स्माइल की। उसने स्माइल करते हुए कहा, बस थोड़ा और ओके, बस थोड़ा और। बट इस बार लंचा ने विंग की बात को नहीं सुना। विंग अभी तक पड़ रहा था तो लंचा विंग के एल्बो को खींचने लगा, बट विंग का अटेंशन अभी तक लंचा के ऊपर नहीं गया। तो अब लंचा ने अपना मेन वेपन यूज़ किया, वो विंग के बॉडी को टच करने लगा एंड सडनली विंग के पूरे बॉडी में गुस्जाम्स आ गए। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड टीस करते हुए कहा, आज कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो रहे हो। हाँ, वो ये बोल तो रहा था बट उसका आइज एंड कंसनट्रेशन अभी तक पेज में ही था, वो अभी तक पढ़ रहा था। उसने कहा, क्यों ना हम ऐसे करें, तुम पहले शुरू करो एंड देन कुछ टाइम बाद मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तब तक मैं ये चैप्टर फिनिश कर लूँ। एंड ऑफकोर्स प्रिंस का वाइन उसके ऊपर रैप था, तो वो प्रिंस का एक्सप्रेशन फील कर पा रहा था। अभी प्रिंस का एक्सप्रेशन ग्रम्पी फ्रोन था। ये देख के विंग ने स्माइल किया। बट एनीवेज लंचा विंग का अटेंशन पाने के लिए उसे कंटिन्यू टच करने लगा, बट उसे विंग का अटेंशन नहीं मिल रहा था। अब लंचा को फील हुआ कि उसे कुछ करना होगा एंड फाइनली अब जो किया, तब जाके विंग का अटेंशन उसे मिला। उसने विंग से लैंटर्न छीन लिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हैंग वांग जून, बट विंग के फेस में अभी तक स्माइल था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा लैंटर्न को लेने के लिए, बट वो जितने अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, लंचा अपने वाइन को उतना ही पीछे लेके जा रहा था। ये देख के विंग ने कहा, हैंग वांग जून, उसे वापस दो, बट ऑफकोर्स लंचा कहाँ सुनने वाला था, वो और भी पीछे जाने लगा। ये देख के फाइनली विंग उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, लंचा, बट लंचा ने उसकी बात को इग्नोर किया। ये देख के विंग भी लंचा के पीछे दौड़ने लगा एंड लंचा और भी पीछे जाने लगा। देखते ही देखते लंचा रूम के बाहर चला गया, तो विंग ने भी लंचा का पीछा किया। विंग ने बाहर जाते हुए देखा कि लंचा उसके लिए ही बाहर वेट कर रहा है एंड जैसे विंग लंचा के पास पहुंच गया, लंचा और भी दूर चला गया। ये देख के विंग ने कहा, यू इडियट,
ये बोलते हुए विंग हंस रहा था, उसे मजा आ रहा था। तो लंजा भी स्पीड से आगे जाने लगा एंड विंग भी स्पीड से लंजा का पीछा करने लगा। वो दोनों ऐसे ही खेल रहे थे, लंजा आगे जा रहा था एंड विंग पीछे जा रहा था। विंग के फेस से हंसी जा ही नहीं रहा था, वो कंटिन्यू हंसते हुए लंजा को फॉलो किए जा रहा था। देखते देखते लंजा विंग को लेकर सेकेंड कोर्टयार्ड पे आ गया एंड सेकेंड कोर्टयार्ड पे आते ही लंजा ने लैंटर्न को अपने एक वाइन से दूसरे वाइन पे पास किया एंड अब वो वाइन आगे जाने लगा। एंड देखते देखते लंजा लैंटर्न को लेकर सेकेंड डोर के अंदर चला गया। ये देख के विंग को रियलाइज हुआ कि प्रिंस सिर्फ उससे फीट ही नहीं करना चाहते बल्कि वो उससे यहाँ पर फीट करना चाहता है। ये रियलाइज होते ही उसके फेस में स्माइल और भी ब्राइट हो गया। उसने लाउडली कहा, हैंगवांग जून, आज कोई कुछ ज़्यादा ही हंग्री है। हाँ, विंग ये बोल तो रहा था बट उसे ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था क्योंकि ये पहली बार हो रहा था। लंजन इससे पहले कभी भी विंग को इंटेंशनली यहाँ पर फिट करने के लिए लेकर नहीं आया था। जब विंग खुद आता था तब लंजा उसके ऊपर एग्रेसिव होता था, अदरवाइज लंजा उसे खुद कहीं भी यहाँ पर लेकर नहीं आता था। एनीवेज विंग रूम के अंदर चला गया। इतनी टाइम से पढ़ते पढ़ते विंग टायर्ड हो चुका था बट अब उसे बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हो रहा था, उसे अभी मज़ा आ रहा था। एंड जैसे ही वो रूम के अंदर गया ऑफकोर्स लंजा एग्रेसिव हो गया, वो विंग के सारा कपड़ा उतारने लगा एंड कपड़े उतारते ही वो इधर उधर फेंकने लगा। ये देख के विंग हंसने लगा एंड देन लंजा ने विंग को फ्लोर पे खींच लिया एंड इमीडिएटली विंग को टच भी करने लगा। लंजा इमीडिएटली विंग को इंटीमेट टच करने लगा एंड विंग भी इमीडिएटली हॉट भी हो गया। विंग ने हिलने की कोशिश किया बट लंजा ने विंग के हाथ पैर को पिन कर दिया था। ये देख के विंग को और भी हॉट फील हो रहा था। विंग वॉल के अगेंस्ट था एंड वो वॉल पे बिल्कुल पिन्ड हो चुका था एंड लंजा इतना हॉटली टच कर रहा था कि विंग को कुछ कहने का मौका तक नहीं मिल रहा था। उसे और भी अच्छा लगने लगा एंड वो कुछ कहना भी नहीं चाहता, उसे अच्छा लग रहा था। विंग का ब्रीथिंग लंजा के टच के साथ साथ बहुत ही फास्ट हो गया, उसका पूरा बॉडी उसका दिमाग क्रेजी होने लगा। देन लंजा ने विंग के वेस्ट को रैप कर लिया एंड उसे मैन हैंडल करते हुए उसे डेस्क पे पुश कर दिया। अब लंजा ने विंग को डेस्क पे पिन कर दिया एंड अब वो उसे टच करने लगा। विंग ने नोटिस किया कि आज लंजा का टच कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है, कुछ ज़्यादा ही हॉट है, वो कुछ ज़्यादा ही ईगर हो रहा है, अर्जेंट हो रहा है। उनको ऑलरेडी बहुत सारे राउंड्स हो चुके थे बट लंजा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो विंग को सांस लेने का मौका तक नहीं दे रहा था एंड विंग के ऐसे फैंटेसी रियल हो रहे थे। विंग एंजॉय तो कर रहा था बट वो सरप्राइज भी था। वो यहाँ पर लगभग एक साल से है बट लंजा का ऐसा रिएक्शन वो शायद पहली बार ही देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली बात क्या है बट एनीवेज वो अभी एंजॉय कर रहा था। वो लंजा के हॉट टच को एंजॉय कर रहा था बट कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ऐसे लंजा उसे देख रहा है। ऑफकोर्स लंजा उसे नहीं देख सकता, देख सकता है बट उसका आइज नहीं है तो विंग उसका आइज कैसे फील करेगा। बस स्टिल उसे फील हो रहा था कि लंजा उसे देख रहा है एंड जैसे उसे ऐसा फील हुआ उसका बॉडी और भी हॉट हो गया। लंजा लविंग करते रहे उसे देख रहा है इंटेंस गेज से, ये सोचते हुए भी उसे हॉट फील हो रहा था। उसका बॉडी और भी बर्न कर रहा था। उसने अपने आप को कम्प्लीटली प्रिंस के सामने सबमिट कर दिया एंड लंजा ने भी विंग का सबमिशन एक्सेप्ट कर लिया एंड विंग को कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि अभी उसके साथ वही हो रहा है जो वो चाहता था। प्रिंस लंजा जैसे उसे ईट कर रहा था फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड विंग इसे कम्प्लीटली एंजॉय कर रहा था। वो जोर जोर से मॉर्निंग करने लगा। उनके बीच में बहुत सारे राउंड्स हो गए, लगभग 20 राउंड्स होने वाले थे बट वो लोग अभी तक नहीं रुके थे। उन दोनों का अभी तक सेटिस्फाइड फील नहीं हुआ था। वो लंजा को इतने एग्रेसिवली इतना फास्ट टच करते हुए पहली बार फील कर रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो ऐसा टच हर रोज़ फील करे। वो लिटरली इस मोमेंट पे अपनी फैंटेसी में जी रहा था। अब तो विंग ने काउंटिंग करना भी छोड़ दिया कि उनके बीच में कितने राउंड्स हुए हैं। उनके बीच में राउंड्स हो ही जा रहे थे कंटिन्यूसली एंड अब विंग लंजा के नाम से मॉर्निंग कर रहा था तो ऑफकोर्स लंजा और भी एग्रेसिव हो रहा था। अब फाइनली अनगिनत राउंड के बाद वो दोनों शांत हुए। उन्हें शांत होना ही पड़ा क्योंकि विंग को डिजी फील हो रहा था एंड वो फाइनली गहरी नींद में सो गया। एक्चुअली सो नहीं गया, वो बेहोश हो गया। फाइनली जब विंग का नींद खुला तब रूम पे गोल्डन लाइट्स आ रहे थे।
उसे फील हो रहा था कि उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे वाइंस तो है, उसके साथ साथ उसके बॉडी के ऊपर उसके कपड़े भी है। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके सोने के बाद लंजन ही उसके बॉडी को उसे कपड़ों से कवर किया है। उसके साथ साथ लंजन ने अपने पैंट्स को भी विंग के ऊपर कवर्ड किया है ताकि विंग को ठंडा ना लगे। उसे वार्म फील हो रहा था तो विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने अभी तक अपनी आंखें ओपन नहीं किया। विंग को बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था, उसे फिर से सोने का मन कर रहा था, बट इन दी एंड वो नहीं सो पाया तो वो फाइनली उठकर खड़ा हुआ। उठने के बाद उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करते हुए वो यॉर्निंग करने लगा एंड अपने हेड को साइड टू साइड टर्न करने लगा। जैसे विंग ने अपने हेड को थर्ड डोर की तरफ टर्न किया, वो बिल्कुल फ्रोज हो गया। उसका हार्ट बीट इमिडिएटली फास्ट हो गया एंड उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बिगड़ गया, क्योंकि थर्ड डोर अभी अनलॉक्ड हो चुका था, वो डोर खुल चुका था। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था कि वो डोर के पास भी जाए, बट अब जब उसने देख लिया है कि वो डोर ओपन हो गया है, अब वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्यूरियोसिटी उसे यह करने नहीं देगा। तो उसने फाइनली अपने कपड़े पहना एंड वो धीरे धीरे डोर के पास जाने लगा। उसके अंदर एक्साइटमेंट था बट कहीं ना कहीं उसे अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा था। अब वो फाइनली डोर के सामने था। अब उसके और उस डोर के बीच में बस एक स्टेप की डिफरेंस था। जैसे फर्स्ट डोर एंड सेकेंड डोर अनलॉक होने के बाद बहुत ही कम ओपन था, वैसे भी थर्ड डोर भी अनलॉक होने के बाद बहुत ही कम ओपन है। पूरा ओपन करने के लिए विंग को बाकी डोर्स की तरह इसे भी पुश करना होगा, बट विंग ने ऐसा नहीं किया। वो डोर के ऐसे ही सामने खड़ा था एंड डोर को देख रहा था। वो बाहर से देख पा रहा था कि डोर के अंदर बहुत सारे वाइंस हैं, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकेंड कोर्टियर की तरह। वो ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था, ज़्यादा देखने के लिए उसे डोर को ओपन करना होगा, बट वो डोर को ओपन नहीं करना चाहता, वो अंदर नहीं जाना चाहता। हालांकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो कि पहले दिन से थे, बट अब उसके अंदर वो सब उतना नहीं है जितना पहले था। अब उसके अंदर डर था। उसे पता है कि जब वो डोर के अंदर जाएगा उसके बाद वो प्रिंस को खो देगा एंड अभी उसके लिए वो रेडी नहीं है। उसे पता नहीं कि वो इसके लिए कभी रेडी भी होगा या नहीं, बट अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं, कल भी नहीं, एटलीस्ट इतनी जल्दी तो नहीं। हाँ, उसने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि वो अपना एंड प्रिंस का फ्यूचर इमेजिन नहीं करेगा, बट स्टिल वो अपने आप को रोक नहीं पाया था। वो अपने पूरी ज़िंदगी प्रिंस को अपने पास ही चाहता है, अपने साथ चाहता है। उसे पता भी नहीं कि वो प्रिंस के बिना कैसे जिएगा। पता नहीं कि अभी प्रिंस उससे क्या चाहता है, वो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विंग को याद आया कि जब सेकेंड डोर ओपन हुआ था तब वो इमीडिएटली डोर के अंदर नहीं आया था, इनफैक्ट प्रिंस ने खुद मना किया था, बट तब वो हील नहीं हुआ था, तब वो रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए प्रिंस ने उसे मना किया था। बट अब तो वो बिल्कुल ठीक है ना, अभी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या प्रिंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस डोर को अभी ओपन कर दे एंड अंदर चला जाए? क्या प्रिंस अभी वेट कर रहे हैं कि विंग अभी अंदर जाएगा एंड उसे फ्री कर देगा? ये सोचते हुए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया डोर की तरफ एंड डोर पे जो वाइन था उसने विंग के हाथ को रैप कर लिया। विंग ने क्वाइटली पूछा, हैंगवांग जून, अगर मैं इसके अंदर कुछ दिन बाद जाऊँ तो क्या ये ठीक रहेगा? ये बोल के विंग सोच रहा था कि अगर प्रिंस चाहते हैं कि वो अभी के अभी जाए तो विंग अपने को कंट्रोल करेगा एंड वो ऑफकोर्स प्रिंस के लिए अंदर जाएगा। बट अगर वो यही सोच रहा था तभी प्रिंस ने जेंटली कहा, विंग प्लीज़ टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अपना टाइम लो, ठीक है? फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ, उसने एक शार्प ब्रेथ लिया। फाइनली उसे अभी प्रिंस को खोना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने सॉफ्टली कहा, ओके थैंक यू। तो प्रिंस ने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया उसे रीअश्योर करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो फाइनली थर्ड डोर ओपन हो गया है। क्या लगता है आपको, आगे क्या हो सकता है, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।